क्लास 10 चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 का सेवंथ क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि तीन स्टूडेंट्स हैं जिनमें से दो स्टूडेंट की बर्थडे डेट सेम होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी कि इन दोनों स्टूडेंट्स का सेम डेट को बर्थडे नहीं आता। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि दो स्टूडेंट का सेम डेट को बर्थडे डेट आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए स्टूडेंट, ये मैथमेटिकल इक्वेशन हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि हमें निकालना है सेम डेट ऑफ बर्थ होने की, और सेम डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992। देखिए समझिए एक बार, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ज़रूर देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी के जो एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट रहते हैं उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 रहता है। तो इवेंट मीन्स सेम डेट ऑफ बर्थ होने की प्रोबेबिलिटी, और नहीं होने की 0.992 गिवन है इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला था, तो यहाँ लिख सकते हैं सेम बर्थडे डेट 1 माइनस 0.992। सो दिस इज द आंसर 0.008।